वेलकम है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एंटायर एजुकेशनिस्ट पर। डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट वीडियो है JKSSB सुपरवाइजर कैंडिडेट्स के लिए, सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ से आपको सुपरवाइजर के मॉक टेस्ट MCQs के PDFs और बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो इससे पहले हमने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, अभी तक अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके पहले वो दो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये MCQs आने वाले हैं। सो पहले हम सोशियोलॉजी का पोर्शन कवर करेंगे, जितने भी उसमें टॉपिक्स रहते हैं और जितने भी उसके इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद जो आपका पहला पोर्शन रहता है जिसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, J&K हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं उसके लिए भी MCQs लेके आएंगे। इसके अलावा हम रेगुलर मॉक टेस्ट्स कंडक्ट करते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप फ्री मॉक टेस्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर हो सकती है। सो पहला जो क्वेश्चन है, डैश डैश मींस द थिंग्स आर नॉट द सेम इन इट्स अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, डिफरेंशिएशन। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, डैश डैश मींस द स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द वैल्यूड रिसोर्सेज, रिवार्ड्स एंड पोजीशंस इन सोसाइटी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, इनइक्वालिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश डैश इज द ऑर्डरिंग ऑफ सोशल यूनिटी एज हायर और लोअर, सुपीरियर और इन्फीरियर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, हायरार्की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिवाइडिंग ऑफ पीपल इन ए सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इनइक्वालिटी एंड हायरार्की। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए बी पार्ट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु आर द प्रोमिनेंट सोशल जस्टिस मेनली एनालाइज्ड द फंक्शनस पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, गुरे एंड थॉमस मूरे। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश डैश मींस द वे ऑफ परसीविंग समथिंग। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास एंड एंग्लो इंडियंस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, पार्ट X1V। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु हैज द राइट टू डिसाइड दैट हु विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एनविसेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, आर्टिकल 338। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो इसका जो राइट आंसर है ए पार्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ द थ्योरी ऑफ किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट ई मूरे अबाउट द थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, अनइक्वल वैल्यू ऑफ डिफरेंट वर्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच डिटरमाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ ए जॉब। सो इसका जो राइट आंसर है बी पार्ट, द डिग्री ऑफ स्किल रिक्वायर्ड फॉर जॉब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज द पेपर ऑफ डेविस एंड मूरे रेफर द फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इसका जो राइट आंसर है डी पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज द इंसिस्टेंस ऑफ डेविस एंड मूरे अबाउट द अराइजिंग ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, सोशल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैक्स वेबर वाज अ डैश डैश सोशियोलॉजिस्ट। सो इसका जो राइट आंसर है डी पार्ट, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज वेबर्स कंसेप्चुअलाइजेशन अबाउट द बेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इसका जो राइट आंसर है बी पार्ट, पावर स्टेट्स ग्रुप क्लास एंड पार्टी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच आर द थ्री डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एज रेफर्ड बाय वेबर। इसका जो राइट आंसर है सी पार्ट है, पुअर्टी, प्रेस्टीज एंड प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
In opinion of Weber, stratification is an organized manifestation of dash dash in society. इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट पावर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश डैश इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु ऑक्यूपाई कंपेरेबल इकोनॉमिक पोजीशंस. सो इसका जो राइट आंसर है बी पार्ट है क्लास. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश डैश इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर अवॉर्डेड अ सिमिलर अमाउंट ऑफ सोशल ऑनर. इसका जो राइट आंसर है सी पार्ट है स्टेटस ग्रुप. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश डैश इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेट अप स्पेसिफिकली टू कम्पीट फॉर पावर एंड विच ऑर्गेनाइजेस प्राइमरीली इन परस्यूट ऑफ पावर. इसका जो राइट आंसर है डी पार्ट है पार्टी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश डैश कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सेट्रांटा इन सोसाइटी. इसका जो राइट आंसर है बी पार्ट है इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्लास सिंबलाइजेस डैश डैश. इसका जो राइट आंसर है डी पार्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेटस सिंबलाइजेस. इसका जो राइट आंसर है सी पार्ट है क्लास स्ट्रैटिफिकेशन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पार्टी सिंबलाइजेस डैश डैश. इसका जो राइट आंसर है ए पार्ट पॉलिटिकल फैक्टर्स. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स इज अ डैश डैश थिंकर. सो इसका जो राइट आंसर है ए पार्ट जर्मन थिंकर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किंग्सले डेविस इज अ डैश डैश सोशियोलॉजिस्ट. इसका जो राइट आंसर है बी पार्ट है अमेरिकन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विल्बर्ट ई मूरे वाज अ डैश डैश सोशियोलॉजिस्ट. इसका जो राइट आंसर है सी पार्ट है इटालियन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर किंग्सले डेविस वार बोरन. सो इसका जो राइट आंसर है सी पार्ट है टुक्सिडो. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, When was Kingsley Davis born? इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट 1908. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, What is the basic idea behind the stratification theory of society put forwarded by Davis and Murray? इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट फंक्शनल नेसेसिटी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश डैश इज द वे ए सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच आर द टू एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट बेस स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ कार्ल मार्क्स कंसेप्चुलाइजेस द स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी ऑफ सोसाइटी. इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट प्रिमेटिव एंशंट फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्ट्रैटिफिकेशन फाउंड इन प्रिमेटिव कम्युनिज्म. सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट इसका राइट आंसर है क्लास सोसाइटी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज द प्रोमिनेंट स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम कॉमनली फाउंड इन एंशंट सोसाइटी. सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट मास्टर एंड स्लेव. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इज द स्ट्रैटिफिकेशन फाउंड इन फ्यूडलिस्ट सिस्टम. सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट यस. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच आर द predominant classes commonly found in feudalist economic system. So इसका जो right answer है वो है B part lord and serf. Next जो question है, which are strata predominantly found in capitalist society. So इसका जो right answer है वो है B part bourgeoisie and proletariats. So next जो question है, Karl Marx opined that dash dash is the byproduct of class inequality. So इसका जो right answer है वो है C part stratification. So इस वीडियो में हम इतने ही MCQs discuss करेंगे. इसका next part भी हम upload करेंगे जिसमें आपके पूरे MCQs about social stratification cover होंगे. इसके अलावा आप हमारा WhatsApp group भी join कर लीजिए जहां से आप बाद में PDFs download कर सकते हैं और mock tests भी attempt कर सकते हैं. So I hope कि वीडियो आपके लिए useful साबित हो. Next वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. Till then, take care.